हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट आस्टा डिफेंस एकेडमी। चलिए आज हम इंडियन नेवी की उन सभी वैकेंसी के बारे में जानते हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली 12th के बाद इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने लिए बहुत ही अच्छी सर्विस पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंडियन नेवी हर साल दो तरीकों से एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसको हम ऑफिसर रैंक बोलते हैं और पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक बोलते हैं। अगर आप डायरेक्टली 12th के बाद इन सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही एग्जाम होता है जिसको हम NDA के नाम से जानते हैं, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। हर साल साल में दो बार UPSC के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिसको हम नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम से जानते हैं, और इस एग्जाम में ऑफिसर रैंक के लिए, चाहे वो फिर इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो, कैंडिडेट्स को ऑफिसर रैंक के लिए इंडियन डिफेंस सर्विसेज रिक्रूट करती है। अगर हम बात करें पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक एग्जाम की, यानी कि इंडियन नेवी डायरेक्टली 12th के बाद पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराती है और स्टूडेंट को सिर्फ 12th के बेसिस पे अपने लिए रिक्रूट करती है, तो वो जो एग्जाम है पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के वो है SSR यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, जिसको हम AA के नाम से भी जानते हैं। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो 12th पास मांगी जाती है विथ 50% मार्क्स, यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया हो और उसके 50% मार्क्स आए हो, वो इस एग्जाम को भर सकता है और इंडियन नेवी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता है। और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की, ये भी सिर्फ 12th लेवल का एग्जाम होता है, इसको भी सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट भर सकते हैं और उनके 60% मार्क्स आना 12th में जरूरी है। तो इन दोनों तरीके से इंडियन नेवी जो है वो पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के लिए स्टूडेंट को रिक्रूट करती है और जिसके थ्रू आप इंडियन नेवी को सिर्फ 12th के बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो ये एग्जाम जो है वो थी टफ लेवल के होते हैं। अगर आप घर पर बैठ के पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, आपको इसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी होगी और जो इसके मेडिकल के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पहले से नहीं पता होंगे, उसके लिए भी आपको डेली अपडेट होना पड़ेगा। आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है स्टूडेंट के लिए, जहां पर हम स्टूडेंट को 7 to 8 hours की रिटन की प्रिपरेशन कराते हैं, फिजिकल की ट्रेनिंग एक एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ कराते हैं, और अगर हम बात करें मेडिकल ट्रेनिंग की, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट को मेडिकल के वो सारे पॉइंट्स भी बताते हैं जो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। सो स्टूडेंट, अगर आप इन सर्विसेज को 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिले, तो एक बार आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस जरूर विजिट करें और देखें कि किस तरीके से हम यहाँ पर स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं, पर डिसिप्लिन क्लासेस चलाते हैं, किस तरीके से हम एक स्टूडेंट के लिए एक अच्छा रूटीन बनाते हैं जिसके बेसिस पर हम अभी तक 2003 से लेकर अब तक 10,000 से भी ज्यादा सिलेक्शन दे चुके हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।